दूरदर्शन के करने की खास वजह दूरदर्शन, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था उस टाइम पर, दूरदर्शन, और वही देखकर बड़े हुए हैं और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं दूरदर्शन के साथ, तो दूरदर्शन में मना नहीं कर सकती थी। भाई जब प्रेरणा देखते तो इस बात का एहसास होता है कि हमें बधाइयों की याद दिलाता है, वो उसी तर्ज पे उसी लाइन पे अपनी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, क्लोज टू रियलिटी है, जो ये फिल्म देखेगा वो इससे रिलेट कर सकता है। तो जितनी भी ऐसी फिल्में बनती हैं जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं वो लोगों को पसंद आती हैं और वो वैसी दिखती हैं। क्या तुम ये मानती हैं कि इस तरह की फिल्मों को जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जब मैं सिनेमा घरों की बात करता हूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ उतना नहीं हो पाता और एक अच्छा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुँचता? यू आर राइट, आई मीन इट इज़ रियली सैड, बट अभी टाइम्स आर चेंजिंग, पीपल वॉन्ट टू वॉच समथिंग इंटरेस्टिंग, स्क्रिप्ट्स आर द हीरोज दीज डेज, so times are changing and things are happening for betterment, good films are coming out, interesting scripts are coming out, so I feel that plus I feel that every film has its own destiny or bahut sari, it is sad that sometimes bahut achhi film hai wo chalti nahi hai, lekin koi bahut weird film hai hoti hai lekin bahut chal jati hai, but I feel every film has its own destiny. Guys quiet please, yes please yaar, bahut horror ho raha hai. Ha भाई ट्रेलर के माध्यम से तो नहीं पता चलता, लेकिन जब फिल्म देखते हैं थोड़ी बहुत, जैसे हमने देखी है द बेस्ट शो में, मालूम पड़ता है कि इतने बड़े बच्चों की माता का किरदार रखने में आया है। इज दिस एन इंटेंशनल एफर्ट टू ब्रेक द इमेज व्हाट माई हैव डन पास्ट? ऐसा कुछ नहीं था, मेरे डायरेक्टर ने मुझे धोखा दिया, मुझे लगा बच्चे छोटे छोटे से हैं, बट मैंने रीच द सेट आई लाइक ओ माय गॉड ये क्या है, मैं नहीं करूँगी, अब तक कमिटमेंट हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था ये, अब गगन को पूरी को पकड़ना पड़ेगा, मुझे ये याद आ गया, बट देन ऑल सच क्यूट पीपल यू नो, देन यू देन एट द एंड ऑफ द डे यू प्लेइंग अ पार्ट। मनोज के साथ काम करने का उनका हिस्सा है, कैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, और आपने कहा कि स्लाइस ऑफ लाइफ, हाँ जी, बहुत कम बनती इस तरह की फिल्में, और जो जिस तरह का ट्रेंड आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है शायद इसी तरह की फिल्मों को सराहा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले ही आपका क्वेश्चन मनु ऋषि का, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, उनको बहुत पहले एक बार मिली थी लेकिन ऐसी कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब जब हमें काम करने का मौका मिला, मैंने उनका काम ओए लकी हुई, लेकिन बहुत अच्छी फिल्में लिखी हैं उन्होंने, देखा हुआ है, और रियल में बहुत हंसाते हैं वो, और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि मनु, मैं और डॉली मैम, जो डॉली अलवल मेरी सास का रोल कर रहे हैं, हम तीनों ने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज हमारे लिए दिल्ली में शूट करना प्लस वो 80s 90s को क्रिएट करना, रिक्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज पूरा नॉस्टैल्जिया हमारे लिए बन गया था वहाँ पर। और बाकी सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्मों का ट्रेंड चालू हो गया, जिन्हें लोग सराहने लगे। यस, आई थिंक पहले भी बनता था, ऋषि मुखर्जी की फिल्में होती थी, बासु चटर्जी की फिल्में होती थी, स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत ही प्यारी फिल्में होती थी, फैमिलीज के ऊपर फिल्में होती थी, बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, इंटरेस्टिंग कॉमेडीज़ होती थी, सिचुएशनल कॉमेडीज़ होती थी, तो उसी तरह से हमारी फिल्म भी जो है वो सिचुएशनल कॉमेडी है, मैं कोई बुफूनरी नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन सिचुएशन ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिससे वो कॉमिक कॉमेडी निकलता है। मुझे ये लगता था कि मैं मुझे जो भी स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही थी बहुत ही वो सेंशुअस रोल्स थे, इंटीमेसी बहुत थी फिल्म्स में, जो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं ऑलरेडी साई बीवी गैंगस्टर मैंने किया था और मैं आगे भी करना चाहूँगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि सारी फिल्में साई बीवी गैंगस्टर जैसे हर कोई वैसी बनाने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी वो स्क्रिप्ट, तो दिस इज़ समथिंग दैट केम अप टू मी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसका टाइटल से लेके, इसकी स्क्रिप्ट से लेके, जो मेरे डायरेक्टर उनका पैशन, सो आई थिंक ये सब ने मुझे मजबूर किया मैं करूं, और आई रियली वांटेड टू, आई वांटेड टू समथिंग डिफरेंट, जो मैं अब तक करते आ रही थी, मुझे लगा कि एक ब्रेक तो बनता है, उसके बाद वापस फिर बेशक सेंशियस रोल्स करूं, लेकिन अभी आई वांटेड टू समथिंग डिफरेंट। मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिल्म क्रिटिक जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है अपनी अपनी समीक्षा करते हैं, अपनी राय दे देते हैं, खालिद मोहम्मद साहब ने किताब लॉन्च की थोड़े वक्त पहले, और वहाँ उन्होंने अनिल कपूर साहब के सामने रूबरू कबूल किया कि मैंने लम्हे को गलत बताकर और एक स्टार या डेढ़ स्टार देकर गलती की, और कई बार गलतियाँ हो जाती हैं समीक्षक से, फिल्म की समीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि फिल्म क्रिटिक को कितना ध्यान रखना चाहिए जब किसी फिल्म को क्रिटिसाइज कराए अपनी समीक्षा को? ये मुझे ये बात पता नहीं था इसके बारे में, बिकॉज लम्हे मेरी फेवरेट फिल्म है, मतलब मुझे इसके एक एक डायलॉग याद है, लम्हे से ऊपर मुझे कोई फिल्म लगती नहीं है,
रही बात ये कि आई थिंक जो भी क्रिटिक्स हैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर उसको जज करें या रिव्यू करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लकीली ऐसा हो भी रहा है. जैसे जब मेरी देवटी आई थी तो 5 स्टार्स मिले थे फिल्म को, और मुझे लगता है वो डिज़र्व भी करती थी. लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्टार्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो फिल्में बहुत बॉक्स ऑफिस पे काम करती हैं. तो आई रियली डोंट नो द क्राइटेरिया, बट आपको पता चल जाता है कि कौन से क्रिटिक ने सही रैंकिंग दी और किस रेटिंग दी और किसने नहीं दी. यू कम टू नो, बिकॉज एज अ व्यूअर मैं भी मूवीज़ देखने जाती हूँ, तो आई रियलाइज़ कि यहाँ पर गलत हुआ, यहाँ पर सही हुआ है. प्लीज़ कम एंड वॉच दूरदर्शन, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. अपनी फैमिली के साथ देखने जाइएगा, बिकॉज ये सबके लिए फिल्म है. जो वो टाइम को देख चुके हैं उनके लिए तो नॉस्टैल्जिया है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ये देखेंगे कि उनके माँ बाप ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने वो टाइम कैसा देखा था और उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैसा होता था. थैंक यू सो मच.